अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हेलो एवरीवन वेलकम टू मैथमेटिक्स कॉर्नर पिछली वीडियो में हमने दो रूल्स करे थे रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के आज हम रूल थ्री और फोर करेंगे तो पहले थर्ड रूल देखते हैं सो इफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म वाई एफ वन एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स एफ टू एक्स वाई डी वाईक्वल टू जीरो एम हमारा जो है दैट इज ऑफ द फॉर्म वाई इज इक्वल टू एफ वन एक्स वाई मतलब जो फंक्शन है हमारा वो एक्स वाई के टर्म्स में है तो जैसे अगर हम साइन एक्स या कॉज एक्स लेते हैं कि ये फंक्शन ऑफ एक्स है एक्स वाई का फंक्शन कैसा हो जाएगा साइन एक्स वाई या कॉज एक्स वाई सिमिलरली एन जो है वो हमारा फंक्शन है एक्स एफ टू एक्स वाई अगेन ये भी एक्स वाई का फंक्शन है तो ऐसे केस में हमारा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है दैट विल बी वन अपॉन एम एक्स माइनस एनवाई प्रोवाइडेड ये टर्म जो है दिस इज नॉन जीरो तो इसे सॉल्व कैसे करना है सो so, हमारा क्वेश्चन है वाई एक्सवाई प्लस टू एक्स स्क्टू डी एक्स प्लस एक्स एक्सवाय माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डीवाई इक्वल टू जीरो तो अगर आप ये देखें ये एक्सक्वायर वाई स्क्वेयर है हम सपोज यहां पर एक्स वाई स्क्वायर होता एक्स वाई स्क्वायर तब नहीं कर सकते थे ये अब ये एक्सवाय का होल स्क्वायर है एक्सक्वायर वाई स्क्र तो तब हम यही यूज करेंगे तो हमारा m क्या है वाई एक्सवाई प्लस टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एन है हमारा एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर अब आप चाहें तो डेल एम अपॉन डेलवाय और डेल एन अपॉन डेल एक्स निकाल के चेक कर सकते हैं ये आपके लिए एक्सरसाइज है आप खुद चेक करके देख सकते हैं कि ये दोनों इक्वल नहीं आएंगे तो ये रिड्यूसेबल टू एग्जैक्ट ही होगी एग्जैक्ट नहीं होगी तो ऐसे केस में हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे बाय वन अपॉन एम एक्स माइनस एन वाई तो हमने ये वैल्यूज पुट कर दी एम हमारा था क्वायर वाई स्क्वेयर और साथ में इधर एक्स भी है तो इधर एक्स वाई हो गया सिमिलरली माइनस एन था हमारा एक्स एक्स वाई माइनस एक्स स्क् वाई और साथ में वाई था तो इधर भी अगेन एक्स वाई हो गया एक्स वाई कॉमन ले सकते हैं हम तो कॉमन लेने के बाद क्या आएगा एक्स वाई प्लस टू एक्सक्वायर वाई इधर से माइनस एक्स वाई और प्लस एक्स स्क् स्क्वेयर ये कैंसिल हो गया तो अब ये क्या बचेगा वन अपऑन थ्री एक्स क्यूब वाई क्यूब अब क्या करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर का क्या करते थे हम मल्टीप्लाई करते थे इक्वेशन के साथ तो अभी भी वही करना हर बार जब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे उसे मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन के साथ तो अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या बचेगा हमारे पास बाहर वाई था इधर और इधर बाहर एक्स था तो इधर हमारे पास बचेगा वन अपॉन थ्री एक्स क्यूब वाई स्क्वायर क्योंकि एक कैंसिल हो गया इंटू ये एज इट इज डीएक्स प्लस इधर एक एक्स कैंसिल हो जाएगा और बाकी एज इट इज अब इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर तो क्या आ जाएगा हमारे पास इधर से ये कैंसिल हुए टर्म्स x से ये एक एक्स कैंसिल तो एक्स स्क्त वाई से एक ये कैंसिल से तो x बचेगा और वाई स्क्र वाई स्क्र कैंसिल तो बचेगा हमारा टू अपॉन थ्री एक्स सिमिलरली इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा वन अपॉइंट थ्री एक्स वाई स्क्वायर माइनस वन अपॉन ये एक्सक्वायर एक्स स्क् कैंसिल बचेगा सिर्फ y तो ये माइनस वन अपॉन थ्री वाई इज इक्वल टू जीरो आप ये चेक कर सकते हैं ये एग्जैक्ट ही आएगी इक्वेशन क्योंकि हमने ऑब्वियसली इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया है तो अब इसका सोलूशन क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ दिस कीपिंग y तो y तो को रख के हम करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास वन अपॉन एक्स स्क्का इंटीग्रेशन होता है माइनस वन अपॉइंट एक्स और प्लस टू बाई थ्री एज इट इज वन बाय एक्स का हो गया लॉग एक्स और इधर हमारा टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स तो ए की टर्म है माइनस वन अपॉइट थ्री वाई वन अपॉन वाई का अगेन लॉग वाई इज इक्वल टू सी तो अब हमारा जो है हमने क्या किया थ्री तीनों में था तो हम कॉमन लेके हमने एलसीएम लेके हम रा, राइट हैंड साइड भेज दिया तो थ्री सी को हमने मान लिया ए तो ये हो गया ए इधर हमारे पास बचा माइनस वन अपॉन एक्स वाई प्लस टू लॉग एक्स माइनस लॉग वाई अब टू ऊपर चला जाएगा तो लॉग एक्स स्क् माइनस लॉग वाई और लॉग ए माइनस लॉग भी होता है लॉग ए अपॉन बी तो लॉग एक्स स्क्वायर अपॉन वाई तो ये मिल गया हमें हमारा फाइनल सोल्यूशन अब इसके बाद देखते हैं रूल फोर रूल फोर किसके लिए है इफ एमडीएक्स प्लस एनडीवा टू जीरो इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन देन इंटीग्रल इंटीग्रेटिव फैक्टर इज वन अपॉन एम एक्स प्लस एनवाई अगेन प्रोवाइडेड एम एक्स प्लस एनवाई इज नॉट इक्वल टू जीरो तो ये तब के लिए है जब ये होमोजीनियस इक्वेशन हो अब होमोजीनियस का हमने एक और मेथड तो करा ही हुआ है वाई इज इक्वल टू वी एक्स सब्सटीट्यूट कर पर आपको ये भी ध्यान होगा कि वो मेथड बहुत लेंदी है आपको अराउंड दो पेज लग जाते हैं उसे सॉल्व करने में और उसके बावजूद कई बार आप इंटीग्रेशन में फंस भी जाते हैं एग्जैक्ट से इसका सोल्यूशन बहुत इजीली निकल आता है सो so क्वेश्चन कि ये देखते हैं एग्जैक्ट से ये इजीली कैसे हो सकता है तो dy अपॉन डीएक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स वाई स्क्वायर है अब ये जो इक्वेशन है ये होमोजीनियस है क्योंकि सबकी डिग्री थ्री है इसे कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई और हमने राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ले आए तो हमारी टर्म क्या बचेगी एक्स वाई स्क्वायर माइनस डीवाई माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू जीरो इस फॉर्म में लाने के लिए हमने माइनस कॉमन ले लिया तो क्या होगा हमारे पास एक्स क्यू प्लस वाई क्यूब डीएक्स माइनस एक्स वाई स्क्वायर डीवाई इक्वल टू जीरो तो एम हो गया हमारा एक्स क्यू प्लस वाई क्यूब एन हो गया माइनस एक्स वाई स्क्वायर डेल एम अपॉन वाई हो गया हमारा कितना 3 और डेल एम अपॉन डेल एक्स हो गया माइनस वाई स्क्वायर दोनों बराबर नहीं है तो ऑब्वियसली एग्जैक्ट नहीं है लेकिन होमोजीनियस थे तो हम ये वाला इंटीग्रेटिंग फैक्टर यूज करेंगे विच इज वन अपॉन एम एक्स प्लस इक्वल टू कितना हो गया ये वन एम आपका है कितना एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इंटू एक्स प्लस क्या है एन तो एन था हमारा माइनस एक्सवाई स्क्वायर तो ये माइनस हो गया और इंटू वाई इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आएगा एक्स टू द्लस एक्स वाई क्यूब माइनस एक्स वाई क्यूब तो ये हो गया एक्स टू दर फोर प्लस एक्स वाई क्यूब माइनस एक्स वाई क्यूब कैंसिल होने के बाद वन अपॉन एक्स टू हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगेन इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे हमारी equation के साथ इस वाली इक्वेशन के साथ तो क्या बचेगा हमारे पास एक्स टू जब मल्टीप्लाई हुआ तो यहां बचेगा सिर्फ वन बाय एक्स प्लस तो आ आगे हमारा वाई क्यूब अपॉन एक्स टू इधर क्या हो जाएगा हमारे पास वाई स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब तो ये आ गई हमारी इक्वेशन अब इसको हम सोल्व कर लेंगे एग्जैक्ट के मेथड से विच इज वन अपॉन एक्स प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स टू कॉन्स्टेंट और इधर प्लस टर्म्स इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स यहाँ पे कोई भी टर्म नहीं है तो क्या आ जाएगा जीरो इक्वल टू एकुल तो सी इसका इंटीग्रेशन लॉग एक्स और फोर का कितना माइनस वन अपॉइंट थ्री एक्स क्यूब इक्वल टू सी तो ये आ गया हमारा फाइनल सोल्यूशन इसके बाद एक और रूल होता है रूल फाइव जो कि हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में सो तब तक के लिए थैंक यू अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा